सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 55वें पृष्ठ की दूसरी पंक्ति पर 43वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं और रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, वेन डार्कनेस डीपन्स स्ट्रैंगलिंग द अर्थ ब्रीस्ट एंड मैन्स कार्पोरियल माइंड इज द ओनली लैम्प As a thief in the night shall be the covert tree of one who steps unseen into his house. A voice ill heard shall speak, the soul obey. A power into mind. Inner chamber steel, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise. A stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भागवत संकल्प एको बहुत श्याम जागृति से सृजित अभिव्यक्त जगत में व्याप्त जड़ वनस्पति प्राणी तथा मानव में सतत चलने वाले विकासोन्मुख क्रियाकलाप से अस्तित्व के कण से लेकर मानव तक में सब कुछ अधिक विकसित होकर उच्च या श्रेष्ठ में अभिव्यक्तिकरण की सचेतनता एवं अभीप्सा पर गहराया बाह्याकारी सत्ता एवं धरती का तमसा छंद प्रभाव सभी विकासोन्मुखी चेतना को ऐसा मालूम पड़ने लगता कि उसके प्राणों को हर लेगा, उसके गले को घोंट देगा और समूची अस्तित्व के भीतर की यह दम घोटू स्थिति समूची पृथ्वी के वक्ष स्थल या अंतःकरण का ही दम घोट देगा। ऐसे में सृजित सृष्टि के सभी विकासोन्मुख स्तर जड़ वनस्पति प्राणियों को जब कोई उपाय नजर नहीं आएगा तब मात्र मानव का सर्वोपरि विकसित भौतिक मन ही इन सभी को अपने अत्यल्प विकसित सीमित ज्ञान रूपी टिमटिमाते दीपक से ही आगे बढ़ने की आस प्रदान कराएगा और उसकी ओर उन्मुख समस्त जगत और जीव बस यही उनके पास उपाय और एकमात्र चारा बचेगा।
ऐसी धरती एवं मानव में व्याप्त तमोग्रस्त अज्ञान अंधकार की गहरी काली व्याप्त छाया में परात्पर के परालोक से उनके द्वारा भेजी गई दिव्यता समन्वित शक्ति संपन्ना सहायता समूचे छटपटाते जगत एवं धरती के अस्तित्व के प्रत्येक अणु से मानव तक पड़े असत अज्ञ आवरण को चीर कर उनमें विद्यमान स्व परात्पर के सचेतन अंशों तक गुपचुप चोरी छिपे प्रवेश पा जाएगा। मानो रात में कोई शातिर चोर दबे पांव चुपके से किसी को भी बिना खबर बिना हट के प्रवेश पा जाता है, वैसे ही वह परात्पर का परालोक का ज्ञात दिव्य प्रेषित सहायक अपने ही अभिव्यक्त जगत के अंतर स्थित मंदिरों में घरों में प्रवेश पाकर तब चैन की सांस ले सकेगा। परालोक से अवतरित दिव्य शक्ति का धरती के अभिव्यक्त व्यष्टि के अंत में गुपचुप प्रवेशित होने का दबे पांव की एक अत्यंत मंद मंद मधुर दिव्यवाणी या स्वर समस्त अंत स्थित चैत्य या चैत्य पुरुष आत्मा अंतरात्मा को सुनाई पड़ेगा, जिसको सुनकर आश्वस्त हुई अव्यक्त जग की आत्मा इस वाणी की आज्ञा का पालन करते हुए भीतर घुसी दिव्यता के प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करेगी। मानव मन को शोधन करके मानव मन को शोधन करने हेतु परा दिव्य शक्ति के गुप चुप प्रवेश से धीमे धीमे हृदय लुभावनी अप्रतिहार्य शक्ति से पूर्णतया मानव का हृदय मन भर जाएगा और मन पर व्याप्त अचित असत अज्ञ आवरण के पर्दे विगलित होने लगेंगे। विगलित होते होते हट जाने लगेंगे। परालोक से अवतरित हुई परात्पर की दिव्य शक्ति हम सबके सत्ता स्तरों में प्रवेश पा जाएगी और प्रवेशित परा दिव्य शक्ति की ज्योतिर्मयता से हमारे अंत पुरुष पर आवरणित असत अज्ञान अंधकार अवचेतन व्याप्त अंधकार पूर्ण वृद्ध द्वारों को दिव्य शक्ति प्रवेश के प्रति उद्घाटित करते हुए उद्भुत एक मोहिनी और मरुता की शक्ति के प्रति खोल देंगे और चैत्य पुरुष जागरण शुभ वेला उपरांत इन भागवत अंश से प्रवाहमान भगवत्ता संपन्न गुण जो सत्ता स्तर पर प्रकट आए भागवत सौंदर्य की शक्ति से अपरा प्रकृति अतिक्रमण कर देश काल सीमा बद्धता समाप्त करके अपराध जगत की शक्ति के समस्त प्रतिरोधों पर परालोक से अवतरित दिव्यता प्रवेश करके
विजयी होगी शाश्वत के अजर अमरत्व का सत्ता स्तरों पर, तब शासन स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार अवतरित हुई परात्पर के शाश्वत शासन से दिव्य सत्य ज्योति द्वारा अपरा संचालित जीवन सत्ता स्तरों पर व्याप्त देश काल शासन सीमाबद्धता अतिक्रमण एवं उन पर स्व आत्म शासन की पराचेतना संचालनता से अचानक घटित प्रक्रिया द्वारा अपरा प्रकृति साम्राज्य पर स्वाधिकार स्थापना से या उत्तरित हुई परात्पर की दिव्य चेतना और जागृत हुई समस्त अंतरात्माओं की ऊर्ध्व गति परालोक प्रवेश करके अपरा प्रकृति साम्राज्य पर स्वाधिकार स्थापना से चकित कर देगी और नश्वर शांत व्यष्टि के चैत्य पुरुष की चैत्य गुफा में शाश्वत के परम दिव्य प्रभु की अनंतता का चोरी छिपे आ घुसने से चैत्य पुरुष को परम आनंद मग्नता हेतु सराबोर करके विवश कर देगी। जब धरती पर मानवों का समूह एवं प्रत्येक मानव स्व के सत्ता स्तरों पर अंतरात्म पुरुष में अवतरित होकर निवसित दिव्यता संचालन एवं पराचेतना जीवन यापन की सामान्य स्थिति स्थापित हो जाएगी, तब फिर इस जगत और जागतिक चेतना का भागवत लक्ष्य संसिद्धि हेतु द्रुतता से विकास एवं आशातीत रूप से दिव्यता में अभिव्यक्ति के नित नवीन उन्नतर स्वरूपों में सब कुछ विकसेगा पनपेगा और भागवत संकल्प सिद्धि में अनंत की विशालता समान तीव्रता आ जाएगी। तब पृथ्वी प्रकृति अपरा शासन से मुक्ति प्राप्त करके परालोक शक्ति शासन के परम उन्नत प्रकृति का जीवन यापन धरा पर व्यक्त स्वरूपों में कर सकेगी। तब अनपेक्षित ढंग से पृथ्वी का जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। मन में दिव्य ज्ञान, प्राणों में दिव्य ऊर्जा, हृदय में दिव्य प्रेम तथा शरीर के समस्त कोशाणुओं में भागवत दिव्य सौंदर्य प्रकट होकर छलकेगा। आज हम इस सार गर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्य की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।